हेलो फोक्स एम वेलकम बैक टू दि चैनल इस तरह के एक्सीडेंट्स हम लोगों ने इंटरनेट पे कई बार देखे हैं एंड बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे हम लोग बिल्ड क्वालिटी के बारे में कमेंट करना शुरू कर देते हैं सो so, इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू बिहाइंड द एक्सीडेंट कि बिल्ड क्वालिटी का गणित एक्चुअली में होता क्या है तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो हुआ है टाटा नैनो और टोटा फॉर्चुनर के बीच में जिसमें टोटा फॉर्चूनर का फ्रंट आके लड़ा है टाटा नैनो के बैक में एंड टाटा नैनो के बैक में क्या होता है टाटा नैनो के बैक में होता है इंजन हैवी मेटल पार्ट और नो क्रम्पल जोन वहीं जो टाटा फॉर्चुनर का फ्रंट है वहाँ पे उसमें क्रम्पल जोन है उसका फाइबर का बम्पर है हेडलाइट्स है रेडिएटर है जो कि चीज़ बनी है क्रम्पल होने के लिए एक्सीडेंट के टाइम पर दैट्स वाई जो डैमेज है वो आपको इस तरह से दिख रहा है अगर बात करें दोनों गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में तो जो टाटा इंडिया की सेफेस्ट कार बनाने के लिए फेमस है टाटा नैनो वॉज अ एक्सेप्शन इट वॉज अ जीरो रेटिंग सेफ्टी कार वहीं फॉर्चुनर अभी भी जो इंडियन मॉडल आता है इट इज़ अ फाइव स्टार रेटेड कार राइट एंड ये इसने अपने कई सारे एक्सीडेंट्स में प्रूव भी किया है तो माई फ्रेंड्स बिल्ड क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि कार को कम डैमेज पहुंचे अच्छी बिल्ड क्वालिटी का मतलब ये होता है कि पैसेंजर्स को कम डैमेज पहुंचे अगर अब इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में पैसेंजर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं दी गई है बट आप लोग समझदार हैं कि क्या इंपैक्ट आया होगा फॉर्चुनर के पैसेंजर्स के ऊपर में और क्या इंपैक्ट आया होगा टाटा नैनो के पैसेंजर्स के ऊपर में तो यार इस वीडियो से अगर आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में एक नया एंगल समझ में आया है तो मेक मेकश्योर कि आप ये शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ में उन व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि कमेंट करते हैं बिना उसके पीछे गणित को समझे हुए और आप लोगों को ऐसे ही और बिहाइंड द एक्सीडेंट वीडियो समझने हैं कि उसमें टेक्निकलिटीज़ क्या थी तो मेक श्योर टू फॉलो राइट एंड ड्राइव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग